स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी डब्ल्यूसीआर यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की तरफ से 3015 पोस्ट पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म 15 दिसंबर से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने आप सबके लिए प्रोवाइड करा दिया था, तो उसको देख के आप लोग ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा मोबाइल फ़ोन से ही। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 14 जनवरी 2024, उसके पहले पहले आप सबको फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं कितने परसेंटेज तक पे आपका कट ऑफ जाएगा, यानी कितने परसेंटेज तक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले के अप्रेंटिसिप में कितने परसेंट पे सिलेक्शन हुआ है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोटा है, भोपाल है, जबलपुर है, इसके अलावा हेडक्वार्टर जबलपुर है, WRS जो वर्कशॉप है सेंट्रल, CRWS जिसे कहते हैं सेंट्रल वर्कशॉप, तो उन सब की तरफ से आपको अप्रेंटिसिप का मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा या मेल आएगा। कैसे आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, उसी सब के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। आपने फॉर्म भरा या नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर अभी तक नहीं भरा है तो क्या आप WCR का फॉर्म भरने जा रहे हैं या नहीं। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी जरूर जुड़ जाइएगा। करंट में देखिए नेवी ट्रेड्समैन मेट के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, 64 ट्रेड ITI के एलिजिबल हैं, जरूर आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ परमानेंट जॉब व कुछ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज ऐसी हैं, जैसे IUCL मार्केटिंग डिवीजन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, WCR जिसका हम वीडियो बना रहे हैं इसका फॉर्म भरा ही जा रहा है, नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, एंड इन सब के अलावा आप देखेंगे अगर यहाँ पर NPCIL MAPS और ISRO NRSC की वैकेंसी है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जिसमें भी आप एलिजिबल उनको अप्लाई करके उनकी तैयारी में अभी से आप लग जाइएगा। अब अभी अगर बात करें तो 3015 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और इसमें अगर आप देखें डिवीज़न वाइज तो अलग अलग ट्रेड के अलग अलग डिवीज़न में कहीं कोई ट्रेड ज़्यादा है, कहीं पे कोई ट्रेड ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये यहाँ पे जो है जो भी कोटा हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, जहाँ भी आपका ट्रेड ज़्यादा है या जहाँ आपका ट्रेड एटलीस्ट आपकी कैटेगरीज़ में अभी अवेलेबल हो, प्लस आप वहाँ पे रह सकें, आपके नियरेस्ट हो, जो भी सारी सुविधाएं देख के आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो सिलेक्शन के बाद आप चाहें चेंज करना, लेकिन यहाँ पे फिर आपका विभाग जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कितने मिनिमम परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, आइए प्रीवियस कट ऑफ पर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए जबलपुर का कट ऑफ है 3rd DV, वहाँ पर होता है जबलपुर में, 1st DV होता है, फिर 2nd होता है, फिर 3rd होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका DV कराया जाता है कई बार। अब इसमें अगर देखें जबलपुर का, जैसे ये आपका कहाँ का है, JBP जबलपुर जिसे कहते हैं, बाकी जो कोटा और भोपाल है उनकी तरफ से जनरली मेरिट लिस्ट आपका जारी ही नहीं किया जाता, डायरेक्टली आपको मेल आता है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं जब भी आप कोई अप्रेंटिसिप में अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी ईमेल आईडी है उसे आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे चेक करें, जो भी आपको मेल आया हो उसे देखें, हो सकता है आप सेलेक्ट हुए, आप मेल बाद में देखें, आपका DV का डेट निकल जाए, क्योंकि जनरली बाकी जो डिवीज़न है यहाँ पर, बाकी जो जोन है वहाँ से सिर्फ मेल किया जाता है, लेकिन जो जबलपुर है इस डिवीज़न से कई बार 1, 2, 3 पूरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाती है और उनका कट ऑफ भी जारी कर दिया जाता है। ऐसे कोई मेल आपको आता है या आपका कोई सवाल हो तो आप techstudyitai@gmail.com पे भी लिख सकते हैं, हमें आपकी वहाँ पे भी हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब अगर 3rd DV देखें, यहाँ पे 1st, 2nd में और कम जाता है, मतलब और ज़्यादा रहता है कट ऑफ, 3rd की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं 1-2%, 3% तक कट ऑफ डाउन हो जाता है। तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो 1st या 2nd DV होगा उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है। AC मैकेनिक की बात करें तो अनरिजर्व में 80% गया हुआ है। 80% का मतलब है कि अगर अभी स्टार्ट होगा फॉर्म जो आपने भर रहे हैं अभी आप लोग फॉर्म, इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा, जनरली अब आपको मेरिट लिस्ट जो देखने को मिलेगा इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्च में लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी आपके फॉर्म जनवरी तक भरे जाएंगे, तो पूरा चांसेस हैं कि आपका जो लोकसभा चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें आपका कट ऑफ करीब आप इसमें ±3 कम से कम ऐड कर लीजिए। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का 50% गया था, ये रेयर ट्रेड है, इसका 50 से 60 के बीच में ही रह सकता है। कोपा के केस में आप देखिए 75% जा रहा है, लेकिन इस 75 को आप 75 ना मान के 78 से 80% के बीच में इस बार मान सकते हैं। मैकेनिक डीजल में 77.9 है SC कैटेगरी का, यानी यहाँ भी आपको 80 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब ये कट ऑफ कैसे जोड़ा जा रहा है, तो ये कट ऑफ आपका जोड़ा जा रहा है 10th+ ITI के जो आपके मार्क्स हैं, एवरेज जो परसेंटेज है, परसेंटेज निकाल के उसको 2 से भाग दीजिए, वही आपका यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ड्राफ्टमैन सिविल का देखिए 73% तक गया है। अनरिजर्व का कट ऑफ मतलब यहाँ पे भी आपका 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा ट्रेड है जिसका कट ऑफ हायर साइड जाता है, तो यहाँ आप 80 से 85 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ इस बार।
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी आप 75 से 80 के बीच में, अगर आपका परसेंटेज आप सेलेक्ट हो सकते हैं, फिटर में भी आपको कम से कम 75 से 85 तक परसेंटेज यहाँ पे भी जा सकता है। मशीन स्टेट की बात करें तो 75 से 80 के बीच में आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी आपको 80% के आसपास तक लाना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी वैकेंसी कुछ कम जगहों पे ही आती है। प्लम्बर, ये सब थोड़े से अनकॉमन ट्रेड होते हैं, जिसमें आपका 70-72% पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। स्विंग टेक्नोलॉजी में भी आपका 70 से 80 के बीच में, 75 के बीच में है तो सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेनो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा कट ऑफ हायर साइड जा सकता है। सर्वेयर, टर्नर, अब टर्नर भी जो है कॉमन सा ट्रेड है, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट में भी होता है, तो यहाँ पे भी आपको 75 से 80, 82-83 तक भी यहाँ कट ऑफ जा सकता है आपका। वेल्डर का कंपैरेटिवली थोड़ा लो जाता है कट ऑफ, तो 70 से 75 के बीच में भी जा सकता है। एंड वायरमैन की अगर बात करें तो ये भी आपका 70 से 75 के बीच में भी यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड डीवी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कट ऑफ डाउन हो जाता है। जो फर्स्ट या सेकेंड का आपका कट ऑफ रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अभी करंट में थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म भी भर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे भी पास हो रहे हैं आईटीआई से, और परसेंटेज भी अब अच्छे बन रहे हैं 10th में भी एंड आईटीआई में भी। तो उसको नज़र में रखते हुए आप देखेंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ आपका ज़्यादा जा सकता है। अब अगर आप लोगों का कट ऑफ इसके आसपास फॉल करता है तो आपका रेलवे में अप्रेंटिस हो सकता है। ऐसे कैंडिडेट जिनका हाई स्कूल में किसी रीजन से 50% से कम है, तो आप तो ऐसे रेलवे अप्रेंटिस के एलिजिबल नहीं, आप कोई और अप्रेंटिस या जॉब की तैयारी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स ओवर एज हो चुके हैं या 1-2 साल उनकी एज बाकी है, वो भी थोड़ा सा रेलवे अप्रेंटिस के बजाय अब जॉब पे अपना फोकस कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनकी 15 से 24 एज अनरिजर्व में रहती है, अब 20 22 21 इतने तक के हो, तो आप रेलवे अप्रेंटिस इन सब में वेट करो, अदरवाइज़ आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाना चाहिए, मेहनत आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, प्राइवेट ही करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कोई एक अच्छा सा ग्रुप ज्वाइन करके एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड जो कट ऑफ परसेंटेज है एनआर का, डब्ल्यूसीआर का, ये सब प्रीवियस कट ऑफ के आधार पे टेंटेटिव बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं इतना ही जाएगा। हाँ, इसके आसपास ही सभी जोन का, सभी डिवीजन का जा रहा है कट ऑफ, तो इतना ही जा सकता है। तो अगर आप लोगों का इसके आसपास अपने ट्रेड में बन रहा है परसेंटेज 10वीं और आईटीआई का एवरेज, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड उसके लिए आप लोग फॉर्म भर के वेट कीजिएगा, मेरिट लिस्ट या कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक कोई इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जो भी करंट जॉब अप्रेंटिसिप की वैकेंसीज हैं उन्हें चेकआउट करके अप्लाई कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा साथ में, एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कभी भी मिस ना हो। थैंक यू।